इतना प्यार क्यों करते हो आप हिंदुस्तान से? क्योंकि हमारा दोस्त है ना। दोस्त है, भाई है हमारा। भाई है। इंडिया हमारा दोस्त है। आपका दोस्त है इंडिया? बिल्कुल, आज से नहीं 200 साल पहले से हमारा दोस्त। इंडिया और पाकिस्तान का मैच जब लगता है हम बोलते हैं खुदा करे कि इंडिया जीत जाए। तो इंडिया पाकिस्तान से नफरत करते हो आप? अभी मैं हूँ भाई काबुल में, और काबुल से आज मैं जा रहा हूँ गजनी की तरफ, जो कि रास्ता लगभग 3 से 4 घंटे का रास्ता है। मेरे साथ है साफी भाई, जो मुझे ड्रॉप करेंगे गजनी बस स्टैंड की तरफ। हालांकि साफी भाई ने काफ़ी हेल्प की है मेरी, और काफ़ी अच्छे इंसान है भाई। अगर आप आ रहे हो भाई काबुल घूमने या पूरे अफगानिस्तान को घूमने, तो मैं साफी भाई का कॉन्टैक्ट नंबर अपने इस वीडियो में मेंशन कर दूंगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे। आप दिल्ली जाते रहते हो? जाते रहते हैं। किधर किधर घूमे आप इंडिया में? कलकत्ते तक गए। आप कलकत्ता तक गए हो? ये देखो, ये भाई अपना पासपोर्ट दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये इंडिया घूमे हैं। इंडिया हमारा दोस्त है। आपका दोस्त है इंडिया? बिल्कुल, आज से नहीं 200 साल पहले से हमारा दोस्त। इंडिया आपका 200 साल से दोस्त है? तो इंडिया पाकिस्तान से नफरत करते हो आप? नफरत करते हैं। तो इंडिया से इतना प्यार क्यों करते हो? 200 साल पहले से हमारा दोस्त। इंडिया 200 साल पहले से आपका दोस्त है? अच्छा, ये इंडिया ने क्या क्या मदद किया आपका? इंडिया हमारे साथ बहुत मदद की। बहुत मदद किया। इंडिया को बहुत पसंद करते हो आप? कलकत्ता गए हो, दिल्ली गए हो, मुंबई। अच्छा अच्छा, तो इंडिया कैसा लगा फिर आपको? इंडिया अच्छा है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। लोग कैसे हैं वहाँ? लोग भी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत नरम लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। फिर से कब जा रहे हो इंडिया? अभी तो हमारे लिए इधर खाना लाओ कि हम चले जाओ। जाना चाहते हो अभी? क्यों नहीं, इंशाल्लाह एक दिन आप जरूर आएंगे और हम मिलेंगे फिर से। आपका नाम भाईजान? अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम, आप ये अफगानिस्तान से हो? जी जी। काबुल काबुल के आप? जी। हम भी अफगानिस्तान के हैं। अभी हिंदुस्तान अफगानिस्तान भाई भाई, तो हम भी अफगानिस्तान के हैं। कब आएगा सफारत इंडिया? इंडिया का सफारत कब आएगा? सफारत एम्बेसी? एम्बेसी हाँ, उम्मीद है अगले साल तक आ जाएगा भाई। आएगा आएगा बिल्कुल। कैसे हो भाई? आप बढ़िया। कहाँ से हो? हिंदुस्तान। भाई है आपके? भाई है, चले मिलो भाई। इंडिया से इतना प्यार करते हैं। प्यार करते हो? अपने जान से भी ज्यादा। जान से भी ज्यादा। इतना प्यार क्यों करते हो आप हिंदुस्तान से? क्योंकि हमारा दोस्त है ना। दोस्त है, भाई है हमारा। भाई है। तो भाई हिंदुस्तान और अफगानिस्तान दोस्त है, भाई है, और हमेशा भाई रहेंगे। जय दुनिया खत्म हो जाए। हमारा जो है यूनानी दवाखाना है। ये आपका दवाखाना है? अच्छा अच्छा, यही बैठता है। लेकिन इंडिया से बहुत प्यार है, और हमारा गुजारिश है कि आपने एम्बेसी लाए। एम्बेसी? हम बहुत बहुत अरसे से जाता है इंडिया। अच्छा, 20 साल से मैं इंडिया जाता हूँ। आप जाते रहते हो? हमारा बिजनेस वही है। अच्छा, लेकिन ऐसा एक आजकल एम्बेसी नहीं है तो नहीं जाता है ना। तो भाई इंडिया एम्बेसी खोलो यार अफगानिस्तान में जल्दी। हमारे कुछ भाई है जो इंडिया आना चाहते हैं, तो खोलो यार एम्बेसी को, घूमने के लायक बनाओ इंडिया और अफगानिस्तान को, अच्छे दोस्त बनाओ। शुक्रिया शुक्रिया भाई, जरूर अगले साल तक पक्का एम्बेसी खुलेगा। आप भी इंडिया गए हो? क्या बात है। आपका नाम भाई जान? जैनल्ला। जैनल्ला, इंशाल्लाह एक दिन आप भी दोबारा हम इंडिया आओगे, आप दोबारा से कलकत्ता घूम पाओगे, दिल्ली घूम पाओगे। फोटो इंडिया का है, देखो ये भी इंडिया है, ये भी इंडिया है। ये इंडिया में है? हाँ इंडिया है। ये कुल्लू मनाली है। कुल्लू मनाली कैसा लगा? कुल्लू मनाली एक नंबर जगह है, बढ़िया खूबसूरत है। खूबसूरत भी है और ठंडा भी है ना। ठंडा है, बहुत ठंडा। बर्फ दिखता है वहाँ पे, बर्फ दिखता है और पानी भी बहुत ठंडा है। मैं तो बहुत जाता हूँ ना, ये कुतुब मीनार है। हाँ ये कुतुब मीनार है भाई, दिल्ली का। दिल्ली में हम फोटो लिया है और बहुत देख लिया है इंडिया, बहुत नजदीक से। बहुत नजदीक से देखा है। शहरों घूम चुका है, बम्बई गया है, पुणे गया है, इधर बिहार साइड गया है, यूपी साइड गया है, गुजरात साइड गया, राजस्थान साइड गया, क्योंकि हम बहुत इंडिया से प्यार करता है, इसलिए घूमता है। क्रिकेट का टीम कैसा है?
बहुत बढ़िया है, बढ़िया। अफगानिस्तान और इंडिया क्रिकेट टीम कैसा है? इंडिया और अफगानिस्तान तो बिल्कुल, राशिद खान भी तुम्हारे टीम में और मुजीबुर रहमान भी है तुम्हारे टीम में। क्या बोलते हैं आप? इंडिया और पाकिस्तान का मैच जब लगता है हम बोलते हैं खुदा करे कि इंडिया जीत जाए। और इंडिया हमेशा जीतता है, कभी नहीं हारता। फिर से जरूर मिलेंगे इंशाल्लाह। सब पिया चाय भाईजान, चाय वाला पिया। नहीं नहीं, धन्यवाद धन्यवाद। ओके, तशक्कुर तशक्कुर, ठीक है, खुदा हाफिज़। कितने प्यारे लोग हैं भाई अफगानिस्तान के। अफगानिस्तान पीपल आर सच वेरी काइंड, वेरी ऑनेस्टली। या तीनों भाई के पीछे हिंदुस्तान काफ़ी बार घूम चुके हैं, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली। तो अपने फ़ोटो दिखा रहे थे, अपनी पुरानी यादें बता रहे थे कि कैसे उन्होंने टाइम बिताया है अपना हिंदुस्तान के अंदर। क्या बात है, यहाँ पे एक चाचा जी बैठे हैं, नाई की दुकान है। सलाम, हमारा ये बना दोगे? यस यस, ओके। ऐसे ऐसे। तो भाई अभी मैं यहाँ पे खत बनवा रहा हूँ अपना सेविंग। मिस्टर दीपक इज नाउ इन द काबल। अच्छा है, अच्छा है। चाचा जी कितने साल से कर रहे हैं ये? ट्वेंटी ईयर्स। 20 साल से? Yeah. आप यही काम कर रहे हो? अच्छा, खुद दुकान उधर मजदूर मार्केट की। Early time he has a shop here in the old market. Okay. But now he came to here. 2-3 years before he has a shop. Ah. Yeah. तो अभी दुकान कहाँ गया है? अभी दुकान नहीं है, कारोबार सस्ता हो गया इसलिए। तालिबान के बाद। Yeah. तो पहले चचा की दुकान थी भाई, लेकिन तालिबान के आने के बाद चचा की दुकान का कुछ अच्छा हाल नहीं था। तो अभी चचा यहाँ रोड के किनारे बैठ के बनाते हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं किसी अफगानिस्तान में ऐसे बैठ के अपनी सेविंग बनवा रहा हूँ। आज से पहले दुकानों के अंदर ही बैठ के बनाया, लेकिन चाचा को देखा तो क्यों नहीं भाई, ये एक्सपीरियंस भी लाइफ में लेना चाहिए आप लोगों को। बहुत अच्छा अच्छा बार्बर शॉप है, ओके, इधर भी अफगानिस्तान में। बट लोकल पीपल, द पीपल हु डजंट हैव मोर मनी, दे आर डूइंग हियर बिकॉज़ इट इज वेरी चीप। भाई सबकी हेल्प करनी चाहिए, चाचा जी बैठे थे तो मुझे लगा मुझे बैठना चाहिए। सलाम, कैसे हो? ठीक हो? ठीक हो, तुम कैसे हैं? मैं बढ़िया। किधर से है? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान से? हिंदुस्तान से। सलाम चाचा जा, कैसे हो? आपका नाम? मोहम्मद खान। तशक्कुर। चाय पीने? नहीं चाय नहीं, चाय नहीं। तो तशक्कुर। तो भाई काफ़ी अच्छी सेविंग कट चुकी है, अच्छी है। गरीबी और अमेरिका फ़र्क बहुत ज़्यादा है भाई अफगानिस्तान में। तो चचा ऐसे ही सामने रोड साइड बैठे हुए थे, तो मैंने साफी भाई से पूछा कि क्या मैं करवा सकता हूँ सेविंग यहाँ पे। तो साफी भाई बोले हाँ क्यों नहीं, आप आराम से करवा सकते हो। यहाँ से गजनी स्टैंड के लिए साफी भाई मेरे लिए गाड़ी बुक कर रहे हैं। हैव अ नाइस टाइम इन बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह वी विल सी इंशाल्लाह इन अगेन, फिर से मिलेंगे। बाय बाय। अभी मैं जा रहा हूँ भाई गजनी बस स्टैंड की तरफ, और वहाँ से मैं लेने वाला हूँ गजनी की बस, लेकिन मैं नहीं लेने वाला हूँ, साफी भाई ने मेरी इस चीज़ में काफ़ी मदद की है। साफी भाई एक्चुअली में काबुल में टूर गाइड का काम करते हैं, लेकिन जब मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई तो उन्होंने मुझे आज पूरा दिन घुमाया है। उसके बाद सेविंग का पैसा, खाने का पैसा सब उन्होंने अपनी जेब से दिया है, इस टैक्सी का पैसा। और उसके बाद उन्होंने ऑलरेडी वहाँ पे स्टैंड पे बात कर रखी है गजनी जाने के लिए, तो काबुल से गजनी का किराया भी ऑलरेडी दे चुके हैं। कैसे हो भाई? सब बढ़िया, अच्छे हो? उर्दू आता? हिंदी आता? मैं हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान से? तुम कैसे हो? अच्छा, हालांकि भाई को उर्दू और हिंदी नहीं आती, लेकिन चेहरे की समझ नहीं। उर्दू पाकिस्तान नहीं, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान 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 भाई भाई हिंदुस्तान भाई 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 या। लेकिन यहाँ लोगों को हिंदुस्तान बोलने के बाद जो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है वो सच में बहुत प्यारी होती है भाई। काबुल की सड़कों पे आपको हद से ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा, आधे से ज़्यादा रोड पे लोग दुकानें वगैरह लगा के यहाँ पे अपना सामान वगैरह बेच रहे हैं। पहुंच गए। ये है वो भाई गाड़ी गजनी जाने के लिए। सलाम भाई जान, कैसे हो? ठीक है। गजनी यहाँ से लगभग 4 घंटे का सफर है, और इस चीज़ में साफी भाई ने मेरी काफ़ी मदद की है। पहले तो मेरे लिए टैक्सी बुक करा के दी उन्होंने, और फिर मेरे लिए गजनी जाने के ये वाली गाड़ी बुक करके दी है।
अपने पैसों से, क्योंकि मैंने उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ मजार शरीफ में कुछ दिक्कत हो गई थी, लेकिन उन्होंने मेरे को पूरा टाइम दिया, काफ़ी जगह घुमाया मुझे, गन मार्केट लेके गए, लोकल मार्केट लेके गए। फाइनली मैं गजनी पहुंच चुका हूं, लेकिन अभी मुझे ढूंढना पड़ेगा खाना और रहने का जुगाड़। कुछ लोगों से पता करना पड़ेगा कि मैं कहां खा सकता हूं, कहां रह सकता हूं। इस रेस्टोरेंट में मैं खाना खाने आया था, काफ़ी बात हुई इन भाइयों से, तो इन भाइयों से बात होने के बाद इन्होंने काफ़ी कुछ किया अभी मेरे लिए। खाना दिया सबसे पहले तो मेरे को, यहाँ पे चावल दिए इन लोगों ने खाने के लिए और नान दिया खाने के लिए, और फिर इसी रेस्टोरेंट में मुझे रहने की जगह दी है इन लोगों ने। मैं आपको दिखाता हूँ कि इन्होंने मुझे कहाँ रहने की जगह दी है। तो ये छोटा सा कमरा इन लोगों ने भाई मुझे रहने के लिए दिया है। अभी अभी एक भाई मुझे चाय दे के गया है कि ठंड ज़्यादा हो गई है तो आप चाय पी लीजिए। तो ये चाय दे के गया है एक भाई और चीनी दे के गया है थोड़ी सी। तो कितने प्यारे लोग हैं भाई अफ़गानिस्तान के। काबुल में मेरी साफ़ी भाई ने काफ़ी मदद की, फिर वहाँ से उन्होंने मेरी टैक्सी बुक करके दी। गजनी में आया तो मैं गजनी में रेस्टोरेंट खाने के लिए बात कर रहा था लोगों से कि भाई खाना कहाँ खा सकता हूँ, तो लोगों ने बताया कि आप ऊपर तीसरी मंजिल पर चले जाइए इस बिल्डिंग की, वहाँ पर आपको खाने का मिल जाएगा। तो इधर भाई मैं आया, मैंने लोगों को समझाया कि भाई ऐसे ऐसे पैसे चोरी हो गए थे और मेरे पास खाने का नहीं है, रहने का नहीं है। तो उन्होंने बोला भाई आप हमारे मेहमान हो, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले खाना खाओ। भाइयों ने मुझे अच्छा खासा कबाली पुलाव खिलाया, ब्रेड खिलाया और साथ में थोड़ी सी सब्ज़ी खिलाई। उसके बाद बोला कि हमारे पास एक कमरा है, आप उसमें सो जाइए आराम से, कोई दिक्कत कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कल आराम से घूमना पूरी गजनी सिटी को, आज आप आराम कीजिए। और भाई चाय भी दे के गए हैं और अच्छा खाना भी खिलाया है। तो ये चाय भाई मैं पीने वाला हूँ पूरी केटल भर के, क्योंकि यहाँ की चाय मुझे पसंद आने लगी है। तो ये थी भाई गजनी, काबुल से गजनी की का सफ़र। तो उम्मीद आपको भाई ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल पर नए हो तो भाई एक बार सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को ऑन करना, और एक छोटी सी कमेंट में प्यारा सा कुछ भी लिख के भेज देना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।